दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज क्या हमारा टॉपिक है, थार से रिलेटेड है। नई थार भी है, पुरानी थार भी है, उसके अंदर ना हमारे को सबवूफर फिट करना थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। और कहीं ना कहीं साउंड की जो सबवूफर की जो हमारी एक वो रहती है क्यूरियोसिटी, वो रह जाती है थार के अंदर, पूरी ढंग से नहीं हो पाती। इसका बिहाइंड रीज़न है बूट स्पेस, हमारी डिग्गी, हमारा स्पेस इतना नहीं है ना। नई थार में तो बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। उसके अंदर जो साइज़ वगैरह है बॉक्स का, हम 8.5-9 इंच तक का हम उसकी मोटाई ले सकते हैं, लंबाई हम 30 इंच तक का ले सकते हैं। ऐसे में सबवूफर को थोड़ा रूम एरिया जो चाहिए होता है स्पेस इंक्लोजर के लिए, बेस को खेलने के लिए जो लो थोड़ा आता है, वो कहीं ना कहीं हमें थार में थोड़ा महसूस कम लगता है। तो वहीं पे है, तो मैंने डिज़ाइन करने की कोशिश करी है। फिलहाल ये वाला बॉक्स है, ये ओल्ड थार के लिए दोस्तों, और ये इसका क्रेडिट मैं नहीं लूँगा, इसका क्रेडिट जाता है कोबरा ऑडियो को। मैं कहीं बिजी था तो हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, तो ये कोबरा ऑडियो ने बनाया है सबवूफर। और सबवूफर कह रहा हूँ, सबवूफर तो हमारे CA का है, 10 इंच का। इसकी मैं अनबॉक्सिंग पहले कर चुका हूँ, और इसके जो बेस की जो क्वालिटी थी फ्री एयर वाली, वो मैं अपने शॉर्ट्स वगैरह में डालता हूँ, तो आप देख सकते हो। तो मैं पहले सबवूफर के बारे में बता देता हूँ। सबवूफर 10 इंच का है, 155 की ड्यूल मैग्नेट लगी हुई है इसके अंदर, 2 इंच की वॉइस कॉइल है, और इसके अंदर हमें ड्यूल स्पाइडर लगे हुए हैं। नॉन प्रेस पेपर कोन नहीं है, प्रेस पेपर कोन है इसके अंदर, और साउंड भी हमारी फॉर्म साउंड है, और कहीं ना कहीं ये 400 वोल्ट RMS आपको दे जाता है। तो फिलहाल ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हम 2 लगाने वाले हैं सबवूफर, तो देखेंगे कि भाई कितना बढ़िया तरीके से बज रहा है। तो इंक्लोजर को हमने सील्ड नहीं लिया है, एयरपोर्ट बनाया है, वो इधर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले सबवूफर को उतार देता हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा आ जाए, जब अपनी आप थार में जो है, जिनके पास थार है, तो उनको एक अंदाज़ा आ जाए कि एक सब बॉक्स बनाना है तो कैसे बनाना है, किस हिसाब से है। तो ये एयरपोर्ट है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने पाइप वाला जो होता है ना, वो चीज़ डाली है इसके अंदर, ताकि थोड़ा मैं जो लू और जो बेस आता है थोड़ा कम फ्रिक्वेंसी वाला, उसको भी हम इंजॉय कर सकें। तो मैं इसके अंदर दोस्तों 2 लगाने वाला हूँ, मोनो एम्पलीफायर यूज़ करने वाला हूँ। 2 लगाने का तरीका है, मैं इन दोनों को पैरेलल वायरिंग करूँगा, उसके बाद में मैं मोनो एम्पलीफायर पे चलाऊँगा। कई लोग बोलते हैं पैरेलल और सीरीज वायरिंग क्या होती है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो जल्दी आने वाली है, तो आपको पूरी डिटेल्ड में बताऊंगा पैरेलल और सीरीज वायरिंग हम कब कब करते हैं, और इनका हमारे एम्पलीफायर और सबवूफर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ मैं आपको ढंग से और बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल मैं इसमें पैरेलल वायरिंग कर रहा हूँ। पैरेलल वायरिंग में होता है कि मैं इस सबवूफर का प्लस लूंगा, इस सबवूफर के प्लस में डाल दूंगा, वही माइनस लूंगा, इस वाले सबवूफर के माइनस में डाल दूंगा, और वही 2 तारे हमारे एम्पलीफायर के प्लस और माइनस में लग जाएगी। बस पैरेलल वायरिंग में ये करते हैं। अभी ये 4 ओम्स के हैं, पैरेलल वायरिंग करते ही ये मेरे 2 ओम्स के हो जाएंगे दोस्तों। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ पैरेलल और सीरीज वायरिंग का, अगर बात उठी गई है तो। 4 ओम्स का मेरा एक सबवूफर है, ये भी 4 ओम्स का SVC है, ये सिंगल वॉइस कॉइल है। इन दोनों को मैं आपस में जोड़ूंगा, इसका प्लस इसमें डालूंगा, इसका माइनस इसमें, और एम्पलीफायर के प्लस और माइनस में चला जाएगा। जब हमारे पैरेलल वायरिंग में 4 ओम्स मिलते हैं तो 2 ओम्स हो जाते हैं। आप सोच रहे हो यार 4 मिले तो प्लस हो जाता है, 8 हो जाएगा, नहीं। पैरेलल वायरिंग में ऑलवेज घट जाता है, डिवाइड बाय 2 कर दो जब दोनों सेम ओम्स की कॉइल हो, तो दोनों सेम हो। अगर ये 2 होता ये 4 होता तब आपको ये फॉर्मूला नहीं करना कि आपने दोनों को प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 से, जब नहीं होगा वो, उसका अलग फॉर्मूला है। जब दोनों सेम ओम्स की हो, 4 है प्लस 4 है, जब पैरेलल वायरिंग करते हैं तो 4 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 ओम्स बन जाएगा। और फिर हमने देखना है अपने एम्पलीफायर में जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि हमारा 1 ओम पे एम्पलीफायर, मोनो एम्पलीफायर इतने वोट RMS दे रहा है, मान लो कि 1500 दे रहा है, 2 ओम्स पे 1000 वोट RMS दे रहा है, 4 ओम्स पे हमारा 600 वोट RMS दे रहा है। तो इस हिसाब से हम पैरेलल और सीरीज वायरिंग कर देते हैं, ओम्स को घटा जोड़ देते हैं। तो हम इसको 2 ओम्स बना देंगे, तो 2 ओम्स में मेरा जो एम्पलीफायर है वो 1000 वोट RMS कहीं ना कहीं दे रहा है, तो ये 400 हमारा 800 वोट RMS हो जाएगा, और वही हमारा 2 ओम्स पे एम्पलीफायर 1000 वोट RMS दे रहा है, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा एम्पलीफायर और सबवूफर्स का। तो चलते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेगी, आप सीखो, मुझे बड़ा मजा आता है सिखाने में, और जब सीखते हैं और एप्लीकेबल करते हैं अपना
सिस्टम खुद जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा मजा आता है जब मेरी उनसे बात होती है कि हाँ आपकी उस वीडियो से हमने जोड़ा है, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो बड़ा मजा आता है कि हाँ यार लोग कुछ लोग सीख रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे सिर्फ। तो चलते हैं इनको लगाते हैं। तो अब तक मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके लगे आगे बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। और हाँ, मेरा वादा है कि मैं अपने किसी भी सब्सक्राइबर को ऑडियो लाइन से रिलेटेड मार खाने नहीं दूंगा। आप खुद से भी अपना मैकेनिक बन सकते हो और खुद से भी सारी चीजें जोड़ मटोड़ के लगा सकते हो। तो चलते हैं लगाते हैं। वायरिंग मैंने कर ली है तो सोचा कि एक डेमो मैं घर पे भी देख दूं कि आपको ये आप घर पे भी एक ऐसा टावर बना के लगा सकते हो। 10 इंच के कोई भी दो सबवूफर्स ले सकते हो या एक ले सकते हो, अच्छा ट्यून इंक्लोजर मिल जाएगा, तो आप घर पे भी कुछ ऐसा लगा सकते हो। फिलहाल इसके अंदर मैंने पैलर वायरिंग करी है, तो मैं एक चीज़ और इस वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएगा। पैलर वायरिंग होती है 2 ओम्स का हो गया, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था सॉरी, और 2 ओम्स का होते ही, और ये हमारे 400-400 वोट RMS के अराउंड है, तो 800 वोट RMS लेगा 2 ओम्स पे। लेकिन मेरा ये 4 चैनल एम्पलीफायर है दोस्तों, पाइनियर का, जो कि 2 ओम्स पे अराउंड देता होगा 200 या 250 अराउंड इतना RMS देगा। लेकिन एम्पलीफायर को तो, मेरे सबवूफर को तो चाहिए 800 या 600 वोट RMS कम से कम। तो मैं जैसे ही मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ ये ट्रिप मार जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सॉन्ग है, तो अभी लो पावर पे चल रहा है दोस्तों, इतना नहीं समझ में आएगा आपको। अब ये है, अब जैसे ही मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा ना इसकी, तो ये ट्रिप मार जाएगा। ये देखो ट्रिप मार गया, मार रहा है ना ट्रिप। तो ऐसे में हमारे सब एम्पलीफायर डैमेज हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि हमारा एम्पलीफायर उठा देगा 4 चैनल पे, ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आप सीधा सीरीज वायरिंग कर दो, पैलर वायरिंग मत करो, सीरीज वायरिंग कर दो। जैसे ही हमारे ओम्स बढ़ जाएंगे, जब हम सीरीज वायरिंग करते हैं तो 4 4 ओम हमारा 8 ओम्स हो जाता है और पैलर में उल्टा कम हो जाता है। तो ये मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना कर दिखा दूंगा ताकि आपको ये पैलर और सीरीज वायरिंग समझ में आ जाए और आपको पता लग जाए कि आपको अपने एम्प पे कैसे पावर देनी है सबवूफर से। तो सीरीज वायरिंग कर दूंगा तो ये इस पे चलने लग जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ी और वॉल्यूम बढ़ जाएगी और थोड़ा और आउटपुट बढ़ जाएगा ताकि आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगी। तो चलते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी थार में ना लगा के पहले मैं अपनी बीट गाड़ी में लगा दूँ, क्योंकि ये इंक्लोज़र छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है, तो कहीं पर भी लग जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको जिसको लगे स्पेस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी एक वीडियो बन जाएगी तो बेटर रहेगा। तो थार में नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे इसको, पहले हम बीट में लगाएंगे, फिर चलाएंगे परफॉर्मेंस कैसी है CA के 10 इंच के सबवूफर जो अराउंड 400 वोल्ट RMS देता है। तो चलो फिर गाड़ी के अंदर चलते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं बीट गाड़ी के अंदर, तो आप देख सकते हो तो पूरा कॉम्पैक्ट सा है, मतलब कि एकदम फिट बैठ गया है। यही चीज़ अगर हम सेडान में भी लेके, सेडान का थोड़ा बूट स्पेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसको हम एक कोने में चिपका सकते हैं आराम से, और जिसको बूट स्पेस की ज़रूरत पड़ती है तो ईजिली उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। फिलहाल इसके अंदर आज बीट में देखेंगे कैसा साउंड आ रहा है, जिसको थोड़ा और स्पेस चाहिए कि यहाँ पे इसको हम थोड़ा उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम इसके यहाँ पे थोड़े गुटके लगा दूँगा ताकि इसको हम डाउन फायर लगा के इसके ऊपर लगेज भी रख सकते हैं, सेडान हो चाहे हैचबैक हो चाहे कोई भी गाड़ी हो। फिलहाल ये थार के लिए बनी हुई है, तो मैं सोचा यार चल बीट में भी मैं इसको एक बार चला के दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और हाँ, कहीं जो घूमने फिरने के थोड़े शौकीन हैं तो वो उसके लिए भी काम आ जाएगी कि अगर आप इसको बाहर निकाल दें और यहाँ पे रख दें साइड में, तो वो भी हो सकता है एक कॉलम की तरह आपको ये खड़ा हो जाएगा, एक टावर स्पीकर जो आते हैं टावर्स, उसकी तरह आप इंजॉयमेंट कर सकते हो अपने रिजॉर्ट्स वगैरह में भी। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ SNB पे, और हमारा जो मिक्स चला रहा है वो हमारा साउंड बैरियर का है, तो ये 1500 वोट RMS का है, तो ये हमारे मिला के 800 वोट RMS उसका, कहीं ना कहीं मैं इसको 600 वोट RMS दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा, वरना ये उड़ के हाथ में आ जाएंगे। तो मैं इन्हीं की पावर के हिसाब से मैं इनको चला रहा हूँ। और तो मेरी वीडियोस देखोगे तो कई लोग कहेंगे यार 1500 को तुम इतने
हैवी एम्पलीफायर को उसको कैसे चला रहे हो, तो आप मेरी वीडियोस देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि सबसोनिक कैसे सेट करना पड़ता है, गेन को कैसे सेट करें, कभी भी गेन को ज़्यादा ओवर नहीं करना चाहिए वरना सबवूफर उड़ जाता है, क्योंकि कई लोग करते हैं गेन बढ़ाते रहते हैं वहाँ से बेस की डीबी बढ़ाते रहते हैं तो सोचते हैं कि अच्छी आवाज़ आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फक ऐसे उड़ जाता है। तो चलते हैं इसका साउंड प्रैक्टिकल देखते हैं कैसा बज रहा है। कर देते हैं फील द बेस। देख लेते हैं परफेक्ट। बेस क्वालिटी अच्छी है। थोड़ा वीडियो के बीच में रोकना चाहूंगा, मैं बताना चाहता डैम्पिंग फैक्टर क्यों जरूरी है गाड़ी के अंदर। देखो मेरी ये सारी दबती है कुत्ते बैठ बैठ के इसके अंदर। अगर मैं इसके ऊपर छत पे डैम्पिंग करा दूंगा, अगर मेरे गेट्स भी डैम्पिंग वगैरह हो जाएंगे, तो जो फील जो हम फील करते हैं बेस को, मतलब कि एक क्लैरिटी वाला और एक डीप बेस जो आता है और एक क्लियर जो साउंड आता है बेस का, वो आ जाएगा। इसका रीज़न बिहाइंड है क्योंकि अगर जब आप डैम्पिंग कराते हो तो पूरी गाड़ी एक तरीके से पैक्ड हो जाती है, एकदम पैक। जैसे कि आप किसी शांत जगह हो, वहाँ पे जाके अगर आप कोई साउंड सुनो, अपने चाहे ईयरबड्स लगा लो या हेडफोन्स लगा लो, आप एकदम कमरे में बैठे हो और हेडफोन्स लगाओ फिर साउंड सुनो, बहुत अच्छा फील आता है। वही चीज़ गाड़ी के अंदर भी होती है। अगर डैम्पिंग आप पूरी गाड़ी करा लो तो कहीं ना कहीं आपको वही फील आ जाएगी जो आप एकदम चाहते हो कि एक एक नोट्स आपको अच्छे से सुनाई दे। बाकी मेरी गंदी हो रही है क्योंकि मैं इसको जल्दी से मॉडिफिकेशन कराने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम पैसों की भी रहती है, क्योंकि मॉडिफिकेशन सस्ती नहीं होती। पूरी गाड़ी पेंट होएगी तो 20-25 हज़ार उसमें लग जाता है, फिर स्कर्टिंग्स वगैरह तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का पैकेज होता है अगर आप ढंग से मॉडिफिकेशन करा रहे हो, क्योंकि अलॉय व्हील्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो फिर चलते हैं अंदर कैबिन में, दिखाते हैं कि आपको कैसा साउंड फील हो रहा है। तो डैम्पिंग की वजह से जो रैटलिंग आ रही है वो सारे बेस की बस कर रहा है कुछ ना कुछ, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। तो चलाते हैं। बन जाती है और बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती हैं। और जिसको बूट स्पेस चाहिए उसके लिए तो 10-10 इंच की आप दो लगा दो, और थोड़ा बेस भी चाहिए तो बेटर चीज़ है, बेटर ऑप्शन है। हाँ, इसके अंदर मैं एरोपोर्ट के अलावा एक और पेटी और डिज़ाइन कर रहा हूँ जो कि पोर्टेड बॉक्स में होगी, जिसमें मैं एल वगैरह डाल दूँगा, जिससे हमारा थोड़ा सा और पंच और एक लो बढ़ जाएगा। तो जल्दी सून वो भी आपको पेटी देखने को मिल जाएगी, यानी कि इंक्लोज़र। तो जिसको भी थोड़ा स्पेस चाहिए, अपनी सेडान कार हो या कोई भी हो, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं उस हिसाब से पेटी डिज़ाइन कर दूंगा, यानी कि इंक्लोज़र डिज़ाइन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। सेफ ड्राइव, नॉन ड्रिंक ड्राइव, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें मेरी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।